कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले की जांच कराएंगे, टीम हमारी जो है जांच कर रही है, घायलों पर हम व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहे हैं, और इन घायलों की अगर बात करें तो इसमें बिहार के भी लोग शामिल हैं। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम कल जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू की होने जा रही है, खास करके 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसमें 2025 को लेकर के विचार विमर्श, तैयारी, सांगठनिक स्वरूप, सांगठनिक मजबूती पर चर्चा की जाएगी, और इसी के लिए दिल्ली रवानगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। सीएम कल जेडीयू के होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, और इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पटना हवाई अड्डा जा रहे हैं और वहां से दिल्ली जाएंगे, और ख़ास तौर पर यदि हम जदयू के बैठक की बात कर लें तो माना जा रहा है कि इस बैठक में कई निर्णय कल लिए जाएंगे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि भाजपा और एनडीए के जो अन्य जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।